वेल गाइस, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो रहा है भाई 75th डे ऑफ इंडिपेंडेंस है या 76th है, 76 को लिख रहा है, 76 दे रहा, तो सच में आखिर क्या है? तो याद रखिए, सिंपल है, 76th इंडिपेंडेंस डे ये है और 75 ईयर्स हमने कंप्लीट किए हैं। बेसिक एग्जांपल आपको देता हूँ, 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को, तो वो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, यानी इंडिपेंडेंस डे उस दिन मनाया गया। उसका 1948 यानी एक साल कंप्लीट होने के बाद हमने फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई, लेकिन वो हमारा था सेकेंड इंडिपेंडेंस डे, समझ गए आप? तो सेकेंड इंडिपेंडेंस डे होते 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 आप आ गया है 76 इंडिपेंडेंस डे और एनिवर्सरी, क्योंकि एक दिन कम रहती है इसलिए 75th एनिवर्सरी है और 76 इंडिपेंडेंस डे। तो जो लिख रहे हैं 76 डे ऑफ इंडिपेंडेंस वो भी बिल्कुल सही है, जो लिख रहे हैं 75 ईयर्स एनिवर्सरी जो लिख रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन कई सारे लोग कंफ्यूज करके ऐसा लिख रहे हैं 75th इंडिपेंडेंस डे लिख रहे हैं, ये गलत है, 76th इंडिपेंडेंस डे लिखना चाहिए, 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 है उससे काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, और जो लोग 76 लिख रहे हैं उनको जो है मिस्टेक समझ रहे हैं, मिस्टेक वो नहीं है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि 75th और 76 का जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गोहैश.in।